पिट्टू कुछ। ओके सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू वंस अगेन। यस चलो क्विकली गुड इवनिंग मैम। क्विक इवनिंग। यस एंड स्विच ऑन योर वीडियोस ऑल ऑफ यू। आई वांट टू सी योर फेसेस। यस हाय ऐश्वर्या, ईशान, अर्जुन, ओनी, सुबेर, सर्वज्ञ। ओके सो नाइस टू सी यू ऑल। वेबर इज देयर? हाँ यस हाय विहान, हेलो। ओके वेरी नाइस। सो बिफोर वी गो अहेड, हाय मानस, गुड इवनिंग। हाय ग्रेट। ऑल राइट सो गुड टू गो। सो बिफोर वी स्टार्ट टुडे सेशन, मुझे सबसे पहले बताइए, फ्राइडे को वी हैव मैच करो। कुकिंग क्लास, सो हाय। यस हाय हेलो। ओके ग्रेट। सो ऑन फ्राइडे वी हैड कुकिंग क्लास और हमने एक बहुत स्वीट चॉकलेटी डेजर्ट बनाया था और उसके साथ साथ हमने एक अमेरिकन सैलेड भी बनाया था। सो क्विकली टेल मी, वेरी क्विकली यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ और रेज योर हैंड्स एंड टेल मी कैसा लगा था। फोटोज तो मैंने देखे, योर पेरेंट्स हैड सेंड मी फोटोज सो आई हैव सीन योर ट्रांसफॉर्म। नहीं बताओ मैम, बताओ। पेरेंट्स वेरी सेड ऑसम। ओके वेरी ऑसम, वेरी टेस्टी, वेरी यम्मी। मी ओके सो नाइस, इट्स वेरी यम्मी। ओके वेरी यम्मी। यस सो शेयर किया, मम्मा पापा के हाँ साथ बहुत शेयर किया। प्रिटी वन। करो मैम, मैम से बात पर करो। मिनट करो ना बात से। हाँ ओके सो मम्मा पापा के साथ शेयर किया, हाँ या ना, यस या नो? यस यस मैम, यस एंड उनको भी पसंद आया। यस मैम। ओके ओके ऑल राइट सो यस आई वाज वेरी हैप्पी। मैंने सबके फोटोज देखे, आई सॉ एवरीथिंग एंड इट वाज सो कलरफुल, इतना टेस्टी टेस्टी दिखाई दे रहा था। सो मुझे भी भूख लगी थी एंड इवन आई वांटेड टू हैव समथिंग स्वीट। इवन मेरी और रुचा दीदी की इस बारे में बात भी हुई थी कि किसके घर पे जाए हम और किसके घर पे जाके वो डेजर्ट खाकर आए। सो यस सो थम्स अप टू यू ऑल, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। और यस क्लैप फॉर योरसेल्फ वंस अगेन। एंड आज का जो हमारा क्लास है, टुडेज क्लास, सो इन द एंड, सो इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू प्ले वन गेम एंड इन द एंड वी आर गोइंग टू डांस। ओके सो ये दो चीजें हैं जो आज के क्लास में हम करने वाले हैं। बट टू दैट टू हैपन, एक क्लास में तो ध्यान देना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि मैम आपको क्या बता रही है। और मैम को आज आपके साथ बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज, टुडे आई वांट टू शेयर वेरी इम्पोर्टेंट थिंग विद यू एंड यू ऑल कैन सी ऑन द स्क्रीन। आप देख सकते हो आई हैव रिटन गुड टच विच इज सेफ टच एंड बैड टच विच इज एन अनसेफ टच। सो आज हम जिस चीज के बारे में बात करने वाले हैं, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, अबे यस सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट गुड टच एंड बैड टच। सो आप में से कोई भी अनम्यूट करके मुझे बताओ, कोई भी, एनी वन कैन अनम्यूट एंड टेल मी बट डोंट शाउट, ओके, वरना मैम को सुनाई नहीं देगा, आई विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड। सो क्विकली टेल मी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड गुड एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड बैड? आपके लिए क्या गुड है और क्या बैड है? यस गुड मतलब मैं अच्छा, टिकेगा वन बाय वन, नहीं वन बाय वन। सी समझना। इफ आवर फ्रेंड्स आर सेइंग समथिंग देन वी विल लिसन, वी विल नॉट नॉट स्टार्ट शाउटिंग। सो वी विल जस्ट से इट वन बाय वन। यू कैन जस्ट रेज योर हैंड एंड इफ हाँ ओके सो यू कैन जस्ट रेज योर हैंड क्विकली एंड इफ रूचा दीदी कैन जस्ट हेल्प मी आउट बिकॉज माय प्रेजेंटेशन इज गोइंग ऑन, आई कांट रियली सी हु ऑल आर रेजिंग देयर हैंड्स। सो जस्ट लेट मी नो हु इज रेजिंग देयर हैंड एंड किसको बताना है व्हाट इज अ गुड एंड व्हाट डू यू मीन बाय बैड। गुड क्या होता है, बैड क्या होता है? ओके आई कैन सी ऐश्वर्या गुड हैंड रेज्ड। मतलब गुड मतलब क्या होता है? मानस गुड
मैम मैम गुड मतलब अच्छा, बैड मतलब बेकार, बैड मतलब खराब। हमने क्या बात की, हमने क्या बात की, व्हाट वी स्पोक अबाउट। If you want to answer, you will raise your hand, and if your friend is answering, we will wait for our chance. Ma'am. Yes, Ishan. Ma'am, good मतलब अच्छा, bad मतलब खराब. Okay, good मतलब अच्छा, bad मतलब खराब. Okay. किसी को इसमें कुछ और add करना है? Ma'am. Yes. Bad मतलब खराब. Yes, good मतलब अच्छा, bad मतलब खराब. Yes, Hanas. हम अच्छा लगता है. ओके, गुड इज जो चीज हमें अच्छी लगती है, एंड बैड इज जो चीज हमें अच्छी नहीं लगती है, जो चीज हमें पसंद नहीं आती है. राइट, यस और नो? यस, दिस इज अ नो. यस और नो? ओके, यस मैम. ऑलराइट, सो टुडे दैट आज जो हमारा टॉपिक है, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, आई एम गोइंग टू टेल यू अ स्टोरी ऑफ अ बॉय. And his name is Aryan. Okay, so Aryan is a school boy just like you all. आपके जैसे छोटा सा एक लड़का है. He goes to school, and हम देखते हैं अभी Aryan के साथ आगे क्या होता है. So slowly, slowly, I am going to tell you the story, and you have to listen because I am going to ask you questions based on that story. तो आपको story सुननी पड़ेगी. So there is this boy named Aryan. और मेरे घर के पास में ही रहता है, लाइक मेरे घर के साइड में ही रहता है. सो ही यूज्ड टू गो टू स्कूल एवरी डे, रोज सुबह यूज्ड टू गेट रेडी, यूज्ड टू बी वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड. ये मुझे स्कूल जाना है, आई एम गोइंग टू मीट माय फ्रेंड्स, आई एम गोइंग टू मीट माय फेवरेट टीचर, आई एम गोइंग टू हैव गेम्स पीरियड. सो ही यूज्ड टू बी वेरी हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड. सो वन डे While he was going to school, जब एक दिन वो स्कूल जा रहा था, and I was just standing near my window. मैं अपने घर की जो हमारे यहाँ पे खिड़की होती है, I was just standing there and I was just looking कि कौन बच्चे क्या कर रहे हैं, what the kids are doing, are the kids playing, are the kids going to school. तो मैं ऐसे सब कुछ देख रही थी, और मैंने देखा जो ये आर्यन है, जैसे ही आर्यन की बस आई, सो ही यूज्ड टू गो इन दैट येलो, बिग येलो बस, उसको येलो बस लेने आती थी रोज. सो जैसे ही आर्यन की येलो बस आती है, सो येलो बस में से एक उसका फ्रेंड नीचे उतरता है, वन ऑफ हिज फ्रेंड गेट डाउन. सो आप मुझे बताओ उस आर्यन के फ्रेंड का हम क्या नाम रखे, यू टेल मी, टेल मी, आर्यन के फ्रेंड का क्या नाम रखना है, आप बताओ. बताओ अक्षय, मैम देवरत, देवरत, अक्षय, अनमोल, अनमोल, ओके, मोहन, मोहन, ओके, सो ओके, मैं तनय, ओके, विनय, ओके, नाइस नाइस. सो आपने जो ओके, सो आपको जो अच्छा लगे, जो नाम आपको अच्छा लगे, वो नाम अभी हम रख देते हैं, ठीक है. सो दिस आर्यन, ही हैड अ फ्रेंड नेम अमोल, देवरात, राहुल, ओके. सो दिस फ्रेंड गेट डाउन, ये खिड़की, ये ऐसे बस से नीचे उतरता है, एंड ही कम्स टू आर्यन एंड ही हग आर्यन टाइटली. वो आर्यन को ऐसे टाइटली हग करता है. And Aryan gets very scared because Aryan doesn't like getting hugged. उसको पसंद नहीं है किसी ने hug किया हुआ. So Aryan gets very scared. उसको बहुत डर लगता है कि ये मोहन, राहुल, देवदत्त मुझे hug क्यों कर रहे हैं. So he gets scared and then what happens? He starts shouting. वो चिल्लाने लगता है कि छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, नहीं मुझे, आप छोड़ दो, ऐसे करता है. सो एवरीवन इज लुकिंग अराउंड, एवरीवन सोचते हैं ये आर्यन को हो क्या गया है, हग तो कर रहा था बट ये डर क्यों गया है. एंड ही स्टार्टेड क्राइंग, तो आर्यन रोने लग गया. अब आई वॉज स्टैंडिंग नियर माई विंडो और मैं सब देख रही थी. आर्यन वॉज क्राइंग, रो रहा है, नाक पूरी लाल हो गई है, आंख पूरी लाल हो गई है, एंड ही इज क्राइंग. फिर उसकी मम्मा आती है और उसकी मम्मा उसको ऐसे धीरे से पैट करती है, ऐसे धीरे से उसको टच करती है, उसको उसके सामने खड़ी हो जाती है, एंड शी सेज आर्यन बेबी डोंट गेट स्कैर्ड, ही इज योर फ्रेंड, एंड इफ यू डोंट लाइक इट, अगर आपको पसंद नहीं है तो
तो आप चिल्लाओ नहीं बट आप उसको प्यार से बताओ कि आई डोंट लाइक गेटिंग हग और आई डोंट लाइक एनीवन टचिंग मी. सो आर्यन स्टॉप्स क्राइंग. उसके बाद आर्यन रुक गया एकदम से, उसका रोना बंद हो गया तो वो शांत हो गया. सो देन दिस फ्रेंड जो है ये मोहन राहुल देवव्रत एवरीवन, सो ये जो फ्रेंड है दैट फ्रेंड गोज टू आर्यन एंड ही सेज सॉरी, सॉरी मुझे पता नहीं था आर्यन दैट यू डोंट लाइक गेटिंग हग, आई एम सॉरी. And then Aryan gets happy again and Aryan bus में बैठ के चला जाता है. Okay? अब जब वो स्कूल से आया, अभी दोपहर का टाइम है, वो स्कूल में गया, he enjoyed there, he had games period, he had yummy yummy tiffin जो उसके मम्मा ने उसको बना के दिया था and then he comes back. Okay. So in the afternoon what happens when Aryan is back from school, जैसे Aryan school से घर पे आ जाता है, Aryan भागते भागते अपने मम्मा के पास आता है और मम्मा को हग कर लेता है. Now you tell me, जब सुबह Aryan के friend ने उसको हग किया, उसको तो बिल्कुल पसंद नहीं आया, he started crying, और अभी दोपहर को वो खुद घर पे आके अपने मम्मा को हग कर रहा है, तो Aryan ऐसे क्यों बिहेव कर रहा था? Why was Aryan behaving like that? सोचो, कौन बताएगा मुझे? अगर आपने ध्यान देके स्टोरी सुनी है तो आपको पता होगा. आर्यन को तो बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसको कोई हग करे, वो तो रोने लग गया था. बट जैसे ही दोपहर को वो खुद स्कूल से घर आता है, उसने तो अपने मम्मा को जाके हग किया. थिंक व्हाई एंड हाउ. मेरे सारे बच्चे इतने स्मार्ट है, इतने इंटेलिजेंट है, सो यू कैन फॉर श्योर टेल मी. आर्यन जानता था, आर्यन जानता था, आर्यन जानता था अपने मम्मी को तो पहचानता है, जानता है, जानता है, पहचानता है, जानता है. हाँ गुड यस. मम्मी से प्यार है, मम्मी से प्यार है. गुड, मम्मी से प्यार है. मैम मम्मी का टच अलग है, फ्रेंड्स के टच वो भी अलग है. ईशान फिर से बोलो. मम्मी के टच अलग है और फ्रेंड्स के बीच टच भी अलग है. यस वेरी गुड वेरी नाइस. यस ऐश्वर्या यू आर सेइंग समथिंग. ये राहुल ऐसे हक किया था ना. हाँ राहुल ने बहुत टाइटली हग किया था, करेक्ट. ओके सो मेनी आंसर्स. यस सो मेनी आंसर्स. मम्मा बहुत प्यार करती है, दैट्स अ गुड थिंग. यस और कौन बताना चाहेगा? देव यू वांट टू आंसर? टच कर रहे हैं इससे अच्छा लगता है. यस वेरी नाइस, मम्मा के टच से अच्छा लगता है, वेरी गुड. कितने अच्छे अच्छे आंसर्स दे रहे हैं मेरे बच्चे, वाओ. और मैम क्योंकि उसको अपनी मम्मी से हग करना अच्छा लगता है. यस वेरी नाइस. आकांक्षा मैम ही इज हैविंग अ सॉन्ग फॉर मां. जोर से गाओ. कितनी अच्छी है तू, कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है. Yes, everyone is clapping for you, baby. कितने अच्छे से गाया है. So before I go ahead with this story, इसके पहले कि मैं फिर से आपको बताऊं, so there was this one secret I was not supposed to tell you all, but चलो ठीक है मैं बता ही देती हूँ. So that secret is, हमने इस बार भी एक दिन का musical day रखा है. So once again, Akanksha, your volume is very faint. Yes, yes, बच्चा लोग एक मिनट की प्रॉब्लम.
आ रही है, आ रही है, आ रही है. वेट वेट. वेट मिनट्स, नेटवर्क चला गया होगा मैम का. मैम तो दीदी बता रही थी कि म्यूजिकल डे है हमारा एक, तो सब लोग रेडी हो जाएंगे म्यूजिक के साथ उस दिन भी. यस मैम. जैसे हमने लास्ट टाइम जो नहीं थे क्रिएटिव कैंप में, बट उनको तो सरप्राइज होगा हमने कैसे गाना गाया था, डांस किया था, मस्ती किया था. तो वैसे ही हम एक दिन मस्ती करेंगे. अब वो चीज हमें आकांक्षा दीदी बताएगी कि कब है और कब हमें उसके रेडी रहना है. ओके एक्साइटेड. कौन कौन गाने वाला है बताओ तू, कौन कौन गाना गाने वाला है? मैं. यस ईशान, यस शीजन, ऐश्वर्या. डांस कौन कौन करने वाला है? अरे वाह, गुड गुड गुड. सब लोग रेडी है? आकांक्षा दीदी सब म्यूजिकल डे के लिए एकदम रेडी है. कंक्षा ये फोन घालून ट्राय करते इसका. आवाज में प्रॉब्लम है दीदी के. वन टू थ्री फोर वन. Audible now? Yes. Okay. Great. दीदी बहुत लोग रेडी है डांस के लिए और म्यूजिक के लिए. Yes. Am I audible now? Yes. 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 Good to go. Hello. Yes, yes, yes. I still see no audio written here. थोड़ा क्रैक होता है या अटक तो है आवाज. क्रैक होता है या मध्य मरे थोड़ा सा लगता है. फोन सा प्रॉब्लम तो नहीं है. इट्स योर नेटवर्क बैंडविड्थ इज लो. The network bandwidth is low. Yes, your network bandwidth is low. Yes, sir. Okay, till then, but we are not going to stop on the energy. I am just trying to fix the problem. So sorry for that. But yes, so the secret was and the secret is that we are going to have a musical day and I want all my kids to be there. We are going to sing songs like abhi, yeah, now we know that we have got two kids in our class jo itne acche se gaana gaate hai. और इतने अच्छे से सारे बच्चे गाना गाते हैं. तो वी गेव इट अ थॉट, मैंने और हर्षशाली मैम ने सोचा दैट व्हाई नॉट हैव एन इंटरेस्टिंग एंटरटेनमेंट डे फॉर ऑल ऑफ यू. सो इसीलिए हमने ये रखा है. बट अगेन आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू कि कब होने वाला है. सो आपको रोज सेशन अटेंड करना है सो दैट यू कैन वेन एवर यू ज्वाइन you will have fun. So let me try.
ओके सो यस एम आई ऑडिबल कंप्लीटली यस नो प्रॉब्लम एट ऑल किंचित है बट आई थिंक वी कट हो तो है आवाज क्रैक हो क्रैक हो तो ओके एक्चुअली नहीं होला पाहिजे बिकॉज आई एम एक्चुअली नहीं लैपटॉप पण यूज करती आणि फोन नी पण हे केले सो आई डोंट नो व्हाई अगेन इट स्टॉप्ड ऑल ऑफ अ सडन like yes yes and what? It's showing network bandwidth is low your network bandwidth is low okay our friend Aryan and we were talking about how Aryan used to do aur mujhe itne acche se aap sab bachchon ne answer diya hai that Aryan ko mamma ka touch kyu pasand tha आर्यन को मम्मा ने हक किया हुआ या जब वो मम्मा को हक करता था वो क्यों पसंद था बट नॉट इफ हिज फ्रेंड्स यूज्ड टू डू दैट सो यस सो टुडेस टॉपिक टुडेस सेशन इज मोर अबाउट दैट हम यही चीज डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से there are so many different kinds of hugs there are so many different kind of things and we won't like it hame pasand nahi aata hai ki agar hame kisi ne bina puche chua ya hame kisi ne agar bina puche touch kiya hai and as a friend we don't want to be like rahul we don't want to be like rohit we don't want be like Agrad so we are going to be good kids hum kuch aisi cheeze aaj dekhne wale hai where how you can avoid making your friends angry or how you can avoid making other people angry or upset okay so yes aapne to sabne bata diya what is good what is bad so now I am going to tell you what is a good touch okay so a good touch is basically jin cheezon se jab aapko koi touch karta hai as you can see on the screen there is a shake hand then there is a pat on your back and then there is a hug so when someone shake hand with you someone hugs you or someone says hi to you aur agar aapko acha lagta hai so if you aise karta hai and you feel good about it then that is known as a good touch That is the reason why जब हमें मम्मा पापा हग करते हैं या मम्मा पापा फोरहेड पे किस करते हैं then we always feel good about it we always feel nice about it okay so that is a good touch now moving ahead moving next year you can see on screen okay yes so now on screen you can see I have also said bad touch और मैंने bad touch को highlight किया है और मैंने bad touch को red में रेड कलर से हाईलाइट किया है सो दैट मीन्स व्हेन एनीथिंग लाइक दिस हैपेंस जब आपको पसंद नहीं आता है कोई आपको टच करे या कोई आपको मारे या फिर यू नो कोई आपको ऐसी जगह पे टच करे जहां पे उन्होंने नहीं करना चाहिए देन दैट इज नोन एज बैड टच नाउ यू कैन सी ऑन स्क्रीन आप देख सकते हो एक लड़का है और एक लड़की है और यहाँ पे दिखा भी रहे हैं कि कौन सा विच ऑल टच इज अ गुड टच एंड विच ऑल इज बैड टच सो इफ एनीवन टचेस योर लिप्स नो मैटर व्हाट इफ एनीवन टचेस योर लिप्स इट्स अ बैड टच अदर देन योर पेरेंट्स और अदर देन डॉक्टर अगर कुछ हुआ है और आपको चेक करना है या आपको डेंटिस्ट के पास लेके गए तो तब तो दिखाना पड़ेगा ना हमें मुंह but other than that if anyone tries to come close to you or try to touch your lips or try to hold your face that is a big no sabse pehla sabse important cheez yaad rakhni hai it's a big no bilkul bhi nahi chhune dena hai second is the chest part you can see this is chest so we all know show me quickly you all know your body parts right so this was the lips so this is the chest part
So anyone who can, who will come close to you or try to touch you here, अगर मस्ती मस्ती में भी यहाँ पे अगर आपको कोई मारता है या फिर कोई टच करने की कोशिश करता है, then that is again considered to be a bad touch. में भी ये ध्यान रखना है कि आपने भी किसी को छूना नहीं है, okay? You will also not touch comes the between your legs part, जो thighs का part है या between your legs जो part होता है, that is known as a bad touch again. They just come and they, you know, ऐसे करते हैं. For example, ये देखो यहाँ पे ऐसे ऐसे हाथ रखा या फिर ऐसे कुछ. It's a big time no. सबसे पहली चीज important याद रखनी है, कोई भी आपको without आपके permission touch नहीं कर सकता है. और अगर आपको लगे कि किसी का भी touch आपको अच्छा नहीं लग रहा है या किसी का भी टच आपको अनकंफर्टेबल कर रहा है, यू आर नॉट लाइकिंग गेटिंग टच्ड बाय डायरेक्टली से सॉरी प्लीज डोंट टच मी, मुझे छूना नहीं है, आप मुझे मत छुओ, ऐसे आप डायरेक्टली बोल सकते हो, बिल्कुल भी घबराना नहीं है. एंड द लास्ट वन इज द बट लॉक्स. सो क्या होता है, हु कैन टेल मी, कौन बताएगा, स्क्रीन पे तो दिखाई दे रहा है, हु कैन टेल, यस क्विकली क्विकली क्विकली, आई कैन सी योर स्क्रीन, यस बताओ बताओ, कौन बताएगा, यस एनीवन कैन अनम्यूट एंड आंसर, ये बटॉक्स, हु कैन टेल मी, जल्दी से आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो कहाँ है, बम पार्ट्स, बम, यस. सो नो वन इवन फ्रॉम बिहाइंड, कोई भी आपके पीछे से भी आकर अगर आपको टच करता है या ऐसे जस्ट कि कुछ ने मस्ती मस्ती में मार दिया, नो यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट. एंड इफ एनीवन डज दैट विद यू, अगर आपके साथ ऐसे कोई अगर करता है तो आपने बताना है कि नहीं हाथ लगाओगे. मस्ती मस्ती में भी कभी भी, इवन इफ यू आर प्लेइंग विथ योर सिस्टर, यू आर प्लेइंग विथ योर ब्रदर, आपका कोई छोटा भाई है, जो कोई अगर छोटी बहन है, इवन इफ दैट इज देयर, तो भी आपने मस्ती मस्ती में नहीं मम्मा हम तो बस खेल रहे थे, नहीं मम्मा हम तो सिर्फ मस्ती कर रहे थे, बट मस्ती मस्ती में भी इन चार पांच चीजों के वहां पे या फिर इन चार पांच बॉडी पार्ट्स को बिल्कुल भी आपने टच नहीं करना है. ओके यहाँ तक अगर समझ आ गया तो क्विकली गिव मी अ थम्स अप, क्विकली थम्स अप, यहाँ तक अगर आपको समझ आ गया थम्स अप. नाउ इट्स अ गेम टाइम, ओके एवरीवन रेडी फॉर द गेम एवरीवन, सो आई विल एक्सप्लेन यू द फूड, यस क्यों नहीं टच करना चाहिए, बिकॉज इट्स कंसिडर अ बैड टच. हम गुड टच और बैड टच के बारे में ही बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपको कोई ऐसी जगह पे टच करता है तो दैट कैन मेक यू फील अनकम्फर्टेबल. आपको ऐसे जैसे हम बात कर रहे थे आर्यन, हमारे फ्रेंड के बारे में हम बात कर रहे थे, मैंने स्टोरी सुनाई तो वो कैसे घबरा गया था, वो डर गया था, ही स्टार्टेड क्राइंग, ही शाउटेड. सो वी विल नॉट लेट एनीथिंग लाइक दिस हैपन, हमें कभी भी ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे सामने वाला घबरा जाए या जिससे सामने वाला डर जाए. So that is why it is known as good touch and bad touch. So अगर आपका भी कोई friend है, अगर आप किसी friend को बहुत time के बाद मिल रहे हो, always अगर आप बहुत ज़्यादा time के बाद मिल रहे हो, then always start with a shake hand. सबसे पहले हम shake hand करेंगे. Directly जाके ऐसे hug नहीं करना है, because your friend might not like it. आपके friend को शायद से वो पसंद ना आए, उसको बुरा भी लग सकता है, वो डर भी सकता है. So इसीलिए we will not go and directly hug our friend unless and until he know. जब तक आपको पता नहीं है कि उस friend को अगर hug किया तो वो घबराएगा नहीं या वो डर नहीं जाएगा या वो रोने नहीं लगेगा या वो गुस्सा नहीं होगा. So जब तक ये सारी चीजें आपको पता नहीं चलती, तब तक physical contact जो होता है, मतलब दो लोगों के बीच में जो distance होता है, जैसे अभी आपकी side में आपकी मम्मा बैठी है, आपकी side में अगर आपका भाई बैठा है या दीदी बैठी है,
सो दो लोगों के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा मेंटेन करना है. आप हम आप पूरा टाइम मम्मा पापा के गोदी में ही बैठे रहते हो, तो मम्मा पापा को ऐसे हम चिपक के बैठते हैं, नहीं ना चिपक के नहीं बैठते ना, वी डोंट सिट लाइक दैट. हम डिस्टेंस रखते हैं ना, दो लोगों के बीच में डिस्टेंस होता है, स्पेस होता है. अभी मैं देख रही हूँ मेरे सारे बच्चों को, थोड़ी ना वो ऐसे मम्मा को ऐसे चिपक के बैठेंगे, या थोड़ी ना हम बार बार हमेशा मम्मा का हाथ पकड़ के बैठते हैं, या मम्मा के पल्लू के साथ खेल रहे हैं. सो ऐसे नहीं करना है. दैट कैन मेक एनी वन अनकम्फर्टेबल, दैट कैन मेक एनी वन एंग्री. ओके सो लेट्स गो, लेट्स डू द गेम पार्ट. अभी हम गेम खेलने वाले हैं एंड द गेम रूल्स आर वेरी सिंपल एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. सो मैं कुछ आपको अभी इमेजेस दिखाऊंगी सारे बच्चों को. आई विल शो यू फ्यू इमेजेस एंड इफ इट्स अ गुड टच, अगर आपको ऐसे लगता है इमेज को देखिए कि हाँ ये तो गुड टच है, देन यू विल गिव मी अ थम्स अप. ओके इफ इट्स अ गुड टच देन इट विल यू विल डू अ थम्स अप. बट अगर आपको इमेज देखने के बाद ऐसे लगता है that it is a bad touch, then you have to give a thumb down. Okay? Simple rule है, ज़्यादा कुछ difficult नहीं है. अगर image को देख के, अगर photo को देख के लगा कि हाँ ये तो अच्छा touch है, it's okay, you can do like that, then you will quickly show me a thumbs up. If it's a bad touch, then a thumb down. All right? So let's start. And this is going to be your first image. ये आपका पहला image है. So is it a good touch or is it a bad touch? Yes, I can see so many thumbs up. Ma'am, good touch. Yes, yes, Ishan. So we will just show it. Good touch. Yes, we'll just ma'am, show it. Yes. Ma'am, good touch. Good yes, touch, ma'am. It's a good touch. Yes, ma'am, it's good a good touch. Touch. It's a good touch. Yes, very nice. It's a good touch. जो अंकल से लोग मिल रहे हैं लोग. हाँ, और आप देख रहे हो दैट अंकल इज ऑल्सो स्माइलिंग, सो दैट मीन्स ही इज हैप्पी. सो इवन इफ ही इज डूइंग अ शेक हैंड, ही इज हैप्पी. सो दैट्स अ गुड टच. कभी कभार ऐसे होता है ना कि हम किसी को ऐसे शेक हैंड करते हैं और हम टाइटली हैंड प्रेस करते हैं, या हम कभी कभी ऐसे शेक हैंड करते हैं. सो दिस इज नॉट अ राइट वे. जब हम शेक हैंड करते हैं किसी को भी, then you just have to do a very firm and nice shake hand. ऐसे tightly हाथ दबाना नहीं है, it can pain. और अगर आप ऐसे परेशान करोगे तो उनको अच्छा भी नहीं लगेगा. So yes, the kids, you are right. So it's a good touch. Now we go to the second image. अब ये second image आ रहा है आपके सामने. Just a minute. Yes. Ma'am, good touch. Ma'am, good touch, ma'am. Good touch. Ishan and everyone, yes, Ishan and everyone, we are just going to show it through our thumbs. Thumbs up and thumb down se hi bas batana hai. That's the rule of the game. So, yes. So, you can see there is a small girl, good girl. And the small girl is, uske papa ne usko hold kiya hai. So, it's a good touch. She is hugging her dad, but it's a good touch. Now comes the next image. अब ये next image आ रहा है आप सबके सामने. Now is it a good touch or is it a bad touch? Ma'am, bad touch. Yes, yes, I can see thumbs down. Good, good, very nice, very nice. So it is a bad touch. ये bad touch है, because even though friend उसको hug कर रहा है, but he is not liking it. उसको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है. He is just standing like that. So it is a bad touch. You can't hug anyone or you can't hold anyone without their permission. So, एक मम्मा है और एक लड़की है. जस्ट द स्क्रीन विल कम अप क्विकली. मैम गुड टच. ओके मैम बैड टच. यस सो इज इट अ गुड टच और इज इट अ बैड टच. ओके
No, that's not a So there is this girl and she is studying or ma'am, this is good touch. Yes, it is a good touch. It's a pat on her back. Mama ne just uske back ko pakda hai. So it is a good touch. There is nothing bad in that. She's not scared. She's studying. Wo khush hai. So it's a good touch. Now comes the next picture. Bad touch. This is a good touch or a bad touch? Yes, we quickly have to just show it through our thumbs. Yes. So this is a bad touch. ये जो लड़का है द वन इन ग्रीन विद ग्रीन पैंट्स ही इज होल्डिंग दिस अदर बॉय शर्ट एंड दिस बॉय इज सो स्केर्ड इतना डर गया है वो एंड ही इज सो स्केर्ड हमें आंखों से भी पता चलता है कि कितना घबरा गया है सो दिस इज अगेन दिस इज अ बैड टच वेरी नाइस नाउ कम्स द नेक्स्ट इमेज इज दिस अ गुड टच और अ बैड टच बैड टच बैड टच Yes, very bad touch. Even if you are brothers and sisters, अगर आप भाई बहन भी हो तो भी आप मस्ती मस्ती में या अगर आप भाई भाई भी हो boys and boys are playing or you're just troubling your sister या फिर ऐसे कुछ तभी भी कभी भी अपने sister का या अपने भाई का you will not hold onto their dresses कपड़े बिल्कुल भी नहीं खींचने हैं बिल्कुल भी परेशान नहीं करना है And if you're not troubling, but if you see someone getting troubled, agar aap dekhte ho school mein, agar aap kahin bahar gaye ho, and if you see that someone is holding it, someone else is holding someone's dress or trying to pull it, so agar aapke aas paas jo koi hai, you can be with your parents, or agar aap kisi ke saath bahar gaye ho, then you can for sure ask them to help, ki ye bahut buri cheez hai, aise nahi karni hai. So yes, again, this is a bad touch. So good clap for yourself, all of you. You all gave right answers to all the questions. आपको full marks है, ma'am की side से. Yes. Now, yes. Very good. Good. Now on screen. अभी स्क्रीन के ऊपर आपको दो लोग दिखाई दे रहे हैं देयर इज अ बॉय एंड देयर इज अ गर्ल और यहाँ पे बहुत अलग अलग कलर्स यूज किए गए देयर इज अ रेड कलर येलो कलर एंड ग्रीन कलर अब मुझे बताओ ये रेड येलो और ग्रीन कलर और कहाँ होता है वेयर इज दिस रेड येलो एंड ग्रीन कलर ट्रैफिक लाइट ट्रैफिक लाइट यस Very like nice. Traffic light. Yes. Traffic light. Light. So when yes, very good, Aishwarya. Very good, Ishan. Very good, all of you. So when there is red light, जब traffic signal जब हम गाड़ी चलाते हैं या कुछ है, and when we see red light, we stop. We don't go ahead. और जब yellow light होता है, तब हम आस पास देखते हैं, and then we go ahead. And whenever there is green light. We directly take our vehicle and we go ahead. Same चीज यहाँ पे भी दिखाई गई है that जो जो spots यहाँ पे red है okay you can see on this screen there is a boy there is girl so जो जो spots red है ये स्पॉट्स दे आर लाइक द ट्रैफिक नहीं करना है इसको बिल्कुल भी टच नहीं करना है सो दीज एवर टच एंड प्ले और ट्रबल टू एनीवन और आप नहीं कर रहे हो बट आपके साथ अगर कोई करता है तो whomsoever यू ट्रस्ट जिसपे आपको सबसे ज्यादा भरोसा है जिसको आप पता है कि वो आपको सबसे ज्यादा प्यार करता है तो आपने उनको जाके ये चीज बतानी है दैट कैन बी योर मम्मा योर पापा योर सिस्टर योर ब्रदर योर टीचर्स योर ग्रैंड पेरेंट्स जो कोई है आपके आसपास जो कोई है जिससे आप बहुत ज्यादा भरोसा करते हो यू विल कम टू देम एंड टेल देम कि मम्मा आज ऐसे ऐसे हुआ या आज मुझे यहाँ पे टच किया है या आज मैंने देखा कि वो लड़का उस दूसरे लड़के को टच कर रहा था सो वी ऑलवेज हैव टू हेल्प एंड वी ऑलवेज हैव टू से द ट्रूथ हमेशा सच बोलना देन देयर इज येलो लाइट अब येलो लाइट आप देखो कितनी जगह पर है
सो दैट मीन्स जब तक आप किसी को नहीं पहचानते हो अच्छे से, जब तक आप किसी को अच्छे से नहीं जानते हो, यू विल नॉट टच देम ऑन दीज स्पॉट्स. अगर आप बहुत अच्छे फ्रेंड हो किसी के, या अगर आपका भाई है या बहन है, अगर आप उनको बहुत अच्छे से ऑफकोर्स जानते हो, दैट इज द ओनली टाइम व्हेन यू कैन टच ऑन देयर शोल्डर्स और यू कैन टच देयर फेस, या फिर आप सर पे भी हाथ रख सकते हो, आप पैर के वहां पे भी हाथ रख सकते हो. बट अगर आप उनको नहीं जानते हो, या अगर उनके साथ अच्छे से आपकी फ्रेंडशिप नहीं है, तो इन दैट केस यू आर नॉट सपोज टू टच देम. दैट कैन मेक देम एंग्री, दैट कैन मेक देम सैड, दैट कैन मेक देम अपसेट, सारी चीजें हो सकती है. द गुड टच, और आप देख सकते हो गुड टच में सिर्फ एक ही चीज है, एंड दैट इज only one thing is allowed for good touch. So वो कौन सी चीज है? Yes, ईशान, मानस, handshake. Yes, very nice. Very nice. Very fine. मैम हाई फाइव दे सकते हैं गर्ल को? हाई फाइव दे सकते हैं, हैंडशेक कर सकते हैं, बट वी नो दिस इज कोविड गोइंग ऑन. अब तो कोविड है, अब तो पैंडेमिक है, तो हैंडशेक भी नहीं करना है किसी से. अगर आप बाहर किसी को मिलते हो तो हैंडशेक बिल्कुल नहीं करना है, नमस्ते करना है. कैसे करेंगे नमस्ते? जल्दी से दिखाओ सब बच्चे नमस्ते करके. कैसे करते हैं नमस्ते? मैम नमस्ते. यस, this is how we do it. Ma'am namaste. Ma'am namaste. Namaste beta. So agar hum kisi ko abhi mil rahe, because bahar covid hangs with them, or we will not give high five to them, we will just do namaste. Okay? Ma'am agar agar namaste kare to mukke se kyaoge bachcha? Agar jab namaste kare to mukke se namaste kare to mukke ऐसे. हाँ ओके ओके. फिस्ट नमस्ते. बट अगर हम बाहर की किसी इंसान को मिल रहे हैं तो हम फिस्ट भी नहीं देंगे, बिकॉज टच तो होगा ना, ऐसे ऐसे बॉडी पार्ट्स पर टच होंगे ना हम. अगर मैम सी ऐसे. यस, सो अभी हम अभी एक दूसरे यस ऐसे कर सकते हो. यस, अभी सारे बच्चे नमस्ते कीजिए पहले. नमस्ते टू ईच अदर. एंड अगर आपके साइड में मम्मा बैठी है, या अगर आपके साइड में सिस्टर या पापा कोई बैठा है, तो उनको आप फिस्ट ये दे सकते हो. सो क्विकली गिव अ फिस्ट हाई फाइव टू देम. फिस्ट, यस, यू कैन गिव इट टू योर मम्मा, गिव इट टू योर सिस्टर. मानस, गिव अ फिस्ट. दिस इज अ फिस्ट. Yes, very nice, very good Pooja, very good Manas. Yes, Avinash, not Avinash. Avinash तो उसके बड़े भैया का नाम है. Yes, मैम अक्षत है. अक्षत ना. अक्षत, right? अक्षत. Very good. Yes, Vihan, Aishwarya, everyone quickly give a fist. Very nice. Okay. Good. So it is only the hands which we are allowed to touch, or which we are allowed to, you know, it's considered a good touch. All right. Now moving ahead. अब मैम ने तो इतना सब कुछ बता दिया, but ये जो spots हैं, okay, the red spots or the yellow spots, इन spots को कौन कौन touch कर सकता है? Who all can touch these red spots? Okay. So you can quickly see on ma'am's screen. Screen is visible, yes. So you can quickly see on ma'am's screen. There are only two people who can touch you on the red spot. Yes. So एक है डॉक्टर और उसके पहले आता है मम्मी या पापा. So
So mama, papa and doctor, only these three people can touch you. And वो भी in case of कुछ आपको check करना है या आपको कहीं पे पेट दर्द हो रहा है या आप जैसे मैंने example दिया that you go to dentist, तो dentist को तो मुंह दिखाना पड़ेगा and dentist will hold your face. So in case of dentist, in case of stomach ache, in case of anything, so it is only the parent and the doctor who is allowed to touch you on the red spots. Okay, all of you. Got it? Akansha ma'am, grandparents ka bataiye. Grandparents, okay. So grandparents, so आपको तो पता है that we love our grandparents and our grandparents also love us a lot. Okay? So grandparents के लिए तो हम हमेशा बच्चे रहते हैं. Even my grandparents, they still hold me, they still hug me like that. So if your grandparents hold you or if your grandparents touch you, understand, ये समझिए that they have become old. थोड़े से old हो गए होंगे ना अभी. अगर आपको पसंद नहीं आया कि वो आपको किस कर रहे हैं बट स्टिल डोंट गेट एंग्री ऑन देम. आप उनको इधर प्यार से समझा सकते हो कि मुझे नहीं पसंद आ रहा है दैट आई डोंट लाइक गेटिंग किस्ड और आई डोंट लाइक हगिंग you and the touch of our parents. Good touch. It's a good thing to happen. All right, all of you? Yes. Yes, ma'am. Quickly show me a thumbs up or thumbs down. So, good. Good to go. All right. So, who all are ready for the dance? Who all ready for the dance? Dance. Quickly. Yes, ma'am. Quickly. Yes, raise your hand if you're ready for the dance. Yes. Okay. I can see so many hands raised. All right. Now there is a trick. जैसे मैंने game बताया वैसे ही dance में भी एक trick है. अब सबका dance अलग अलग होने वाला है. Everyone is going to have different dance. But डांस में आपको क्या इंक्लूड करना है मैं जल्दी आपको बता देती हूँ. यू हैव टू डू अ डांस विच इंक्लूड्स, आपको डांस के थ्रू बताना है विच वन इज अ गुड टच, विच वन इज अ बैड टच, विच इज अ बिगेस्ट यस एंड विच इज अ बिगेस्ट नो. मतलब कुछ भी हो जाए किसी ने आपको वहां पे छूना नहीं है और कौन आपको छू सकता है. सो यू हैव टू मेक अ डांस. यस. So take 2 minutes, 2 minutes, 2 minute लीजिए, sit quietly, think. आप कैसे करोगे? Okay, and when you are ready, you can tell me. Okay, so think. आपको एक ऐसा डांस करना है. आप खुद आज एक डांस कोरियोग्राफ करने वाले हो. योरसेल्फ आर गोइंग टू मेक योर ओन डांस. सो यू यस यू हैव टू मेक अ डांस स्टेप्स, डांस मूव आपको बनाने हैं. इसके थ्रू आप बताओगे कि कहाँ पे टच कर सकते हैं और कहाँ. All right. Is it interesting to do? Is it? Yes. Ishan, are you going to dance? Okay. I can see 1-2 students leaving because they don't want to dance. It's okay if you don't want to dance. You can see others and you can clap for them and we can motivate them. But I want my kids to be creative. Na? Dance provoke karna hai sahi bachchon ke saath. Ha? Yes. Main keh rahe the dance provoke karna hai.
डांस थोड़ा बहुत करना है बट आप कर सकते हो. एंड व्हेन यू आर रेडी विथ योर डांस गिव जस्ट गिव मी अ थम्स अप सो वी कैन स्टार्ट. सोचो सोचो. ओके आई कैन सी ऐश्वर्या'स थम अप. सो शी इज रेडी फॉर द डांस. सो ऐश्वर्या आर यू गोइंग टू शो अदर्स थ्रू डांस कि कहां पे टच कर सकते हैं कहां पे नहीं. यस कोई भी ऐसे डांस नहीं करना है. ओके आपको डांस के थ्रू बताना है कि यहाँ पे टच करना अलाउड है यहाँ पे टच करना अलाउड नहीं है और कहाँ पे टच करना अलाउड है. आई वॉन्ट टू सी माई क्रिएट आई वॉन्ट टू सी ऑल द किड्स इन क्रिएटिव. ओके आई कैन सी ईशान ऑलरेडी स्टैंडिंग. सो यस ईशान. सो बिग क्लैप फॉर ईशान फर्स्ट ऑफ ऑल. इज द फर्स्ट वन गोइंग अहेड एंड गोइंग टू डांस. यस ओके लेट्स स्टार्ट. वेरी ब्यूटिफुल वेरी नाइस. जिन बच्चों ने देखा उनको समझ आ गया होगा ही वॉज डांसिंग सो वेल एंड नो लाइक दिस. And he for a shake hand he did a yes. So yes, you can always have shake hand, but you are not supposed to touch anyone anywhere. So that's a very good thing. Yes. Now who is going to go next? देखो ईशान ने आपको बता दिया है अभी क्या करना है. So who is going to go next? Oh, I can see Amitosh standing. Wow, so much of energy. Stuart, where can you touch? Do this. Show this, show hands, Amitosh. ऐसे नहीं अच्छे से ऐसे करो ये. ओके मुझे से ये पॉज. गुड 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 वेरी नाइस ब्यूटीफुल बेबी वेरी गुड वेरी नाइस. सो ही शोड कि चेस्ट पे हाथ नहीं लगाना है नीचे हाथ पर टच नहीं करना है. वेरी नाइस. हु इज गोइंग नेक्स्ट. Wow, now I can really see kids getting excited and stand up. Who is going next? Okay, I can see Aishwarya standing. Yes. So we'll start. Yes, Aishwarya, you can start. Okay. We are going to pin Aishwarya. Yes, Aishwarya, start. मैं मैं बोल रही हूँ कि आप डांस कर सकते हैं. यू कैन स्टार्ट. यस ओके आई कैन सी ओनी स्टैंडिंग. वाओ I can see Oni standing, Sai standing. Yes, Manas, you're not going to dance? No? Okay. Amitosh, you have danced very well, baby. So that's a thumbs up for you. Yes, I can see Sai dancing. Good. Okay. अगर आपने डांस नहीं किया देन आई हैव टू गेट अप एंड देन आई विल बी द वन डांसिंग विद यू. वेरी नाइस. यस प्रतीक्षा गुड ओके लेट्स एवरीवन क्विकली गेट अप. यू ऑल आर गोइंग टू डांस क्विकली. Okay, just give me a minute. Quickly get up. Quickly get up. Yes.
Everyone, stand up. Just give me a minute. Stand up, get ready. Stand up and get ready. Quickly, I want all of you standing. Yes, stand up. Now we are going to dance, okay? So everyone pay attention. Rucha, just let me know if I'm not audible or visible. Yeah, your video is off. Okay, great. So let's start. Let's start. Stand up. All of you first. Mother, sir, you have to dance because ma'am is also standing. So now everyone is dancing. Your video is off, Akansha. Ma'am, my video is on. Okay. Video on nahi hai? Nahi. My audio thing will be from a different side and my video will be from a different side. So, yes, my video is visible now. Yes. Yeah, okay, yeah. So, yes. Two, because of two accounts. So, yeah. Great. So, yes. Let's start. Stand up, all of you. Quickly. Jump. Everyone, get up. Okay. So the steps are very simple. Okay, very simple steps here, and we are all going to dance. So we are doing a shake hand. First, we are doing a shake hand. Closely pay attention where I'm moving. Yes. Shake. Yes, baby. आपका वीडियो ऑफ है अच्छा मेरा वीडियो ऑफ है पीपल आर फॉलोइंग मी जस्ट इट्स ऑन यस नाउ विजिबल आप विजिबल है यस इट इज ओके नो मैम वी कांट सी यू मैम वो दो अलग डिवाइसेस से लॉग इन किया है तो ऑडियो एक डिवाइस से आ रहा है और वीडियो दूसरे डिवाइस से आ रहा है एग्जैक्टली अब दिख रहे हो आप मैम अब दिख रहे मैम करो Okay, I can see everyone doing it. So we are doing a shake hand. Shake hand is a yes. Touching lips, touching someone's chest, someone's back is a big no. Touching anyone's legs, thigh part is a big no. No. Now we are going to do it quickly, okay? Fast for now. Fast. No. Yeah. No. Clap for ma'am. Oh, nice. Clap for yourself, all of you. We loved it, ma'am. Okay, so yes, clap for yourself, and quickly give me a fist. Screen pe jaldi se ek fist dijiye.
Yes. Okay. So kids, you have been great today. It was so nice to see you all. चीजें ध्यान में रखनी है. Good touch, bad touch. Not letting anyone touch you if they are new to you. Even if you know them, अगर आपके कोई मम्मा के कोई फ्रेंड है या पापा के कोई दोस्त आपको मिल गए बाहर, still you will maintain that physical distance जो अभी आपके और आपके मम्मा के बीच में है, या आपके सिस्टर या भैया, अगर जो कोई आपके आसपास बैठा है उनके साथ जो आपका डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस आपने मेंटेन करना है. ओके, सो क्विकली अ बिग फिस्ट वंस अगेन, क्लैप फॉर योरसेल्फ, पैट एट योर बैक, गुड. एंड टुमारो, सो फॉर टुमारो आई वांट यू ऑल टू हैव plain white paper, okay, and colorful sketch pens and any colors that you like. Tomorrow is going to be a fun session. Life skills to zarur hai, but it's going to be a fun session. We are going to do something very creative. We are going to do something very interesting. So see you all tomorrow. Thank you, ma'am. Let's have fun. And yes, bye ma'am. Bye. What's the activity kal? अच्छा, वो तो आपको कल ही पता चलेगा. कौन सी एक्टिविटी है कल? मैं नहीं बताऊंगी. आ जाओ कल देव. तो कल कल आ जाओ. आई कांट सी द ऑप्शन टू स्टॉप रिकॉर्डिंग. हु इज गोइंग टू स्टॉप द रिकॉर्डिंग? हर्षाली मैम विल. थैंक यू, बाय. Thank you. Yeah. Bye-bye. Bye. See you. Bye.